महा कार्टून टीवी चुड़ैल की चिट्ठी। एक समय की बात है, किसी गांव में पूजा नाम की एक छोटी सी बच्ची रहती थी। वो बचपन से ही बहुत समझदार थी और अपने माँ पापा की लाडली भी थी। वो जिस गांव में रहती थी वहाँ ज्यादा सुविधा नहीं थी। एक दिन पूजा के घर एक डाकिया आया, जो पूजा के पापा आनंद के नाम की चिट्ठी लाया। आनंद जी के नाम की चिट्ठी आई है। डाकिये की आवाज सुनकर पूजा नन्हे नन्हे कदमों से बाहर दौड़कर आई और बोली, अंतल अंतल, आनंद मेरे पापा है, आप ये चिट्ठी मुझे दे दो ना। पूजा को देखकर डाकिया बहुत खुश हुआ। उसका इस तरह तुतलाकर बात करना डाकिये को बहुत पसंद आया और वो पूजा के घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर उससे बातें करने लगा। अच्छा, तो तुम्हारे पापा का नाम आनंद है, तुम्हें अपना नाम पता है? हाँ, मेरा नाम पूदा है, अल आपका क्या नाम है? मुझे तुम डाकिया चाचा बोला करो। ठीक है, आपसे मैं आप तो दातिया ताता ही बुलाऊंगी। पूजा के मुंह से अपना नाम सुनकर डाकिये को बहुत अच्छा लगा। अब डाकिया अक्सर पूजा के घर उससे मिलने जाया करता और अब पूजा के माँ पापा से भी डाकिये की बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। पूजा धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो डाकिये ने पूजा के मम्मी पापा से कहा, आप पूजा को पाठशाला क्यों नहीं भेजते? पढ़ लिख कर करेगी क्या, आखिर संभालना तो इसे चूल्हा चौका ही है। अरे आप ऐसा क्यों सोच रही हो, आजकल लड़कियां लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। लेकिन हमारे गांव में कोई अच्छा स्कूल भी तो नहीं, बस एक छोटी सी प्राथमिक स्तर की पाठशाला है, वहां ये क्या पढ़ पाएगी? आप पूजा को पाठशाला तो भेजिए, बाकी पढ़ाई में मैं पूजा की मदद करूँगा। डाकिये के कहने पर पूजा के माता पिता ने उसे पाठशाला भेजना शुरू कर दिया और अब तो पूजा के डाकिया चाचा उसकी पढ़ाई में खूब मदद किया करते थे। देखते ही देखते पूजा बड़ी होने लगी। डाकिया चाचा ने पूजा को चिट्ठी लिखनी और साइकिल चलानी सिखाई। अब पूजा वो सारे काम किया करती थी जो उस गांव की लड़कियों के लिए एक सपना था। इसीलिए पूजा की दो सहेलियां रेखा और हेमा उससे खूब चिढ़ती थी। एक दिन हेमा और रेखा पूजा के साथ खेल रही थी। चलो हम तीनों भागकर वो सामने वाला पेड़ छूकर आते हैं, जो भी पहले पेड़ छूकर आएगा वो ही विनर होगा। ये विनर क्या होता है? अरे पुत्थू, विनर का मतलब होता है विजेता। अरे पूजा, तू तो अंग्रेजी भी सीख गई। ये सब मुझे मेरे टाकिया चाचा ने सिखाया है, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे पाठशाला की पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे शहर भेज देंगे। पूजा की शहर जाकर पढ़ने वाली बात सुनकर हेमा और रेखा जल भुनकर राख हो गई और वो किसी भी तरह से पूजा को रास्ते से हटाना चाहती थी। एक दिन की बात है, पूजा की माँ ने उससे कहा, बेटी पूजा, जा जाके कुएं से पानी ले आ। माँ, आप इतनी रात का पानी क्यों मंगा रही हो? अभी खाना नहीं बना, तुम्हारे पापा आते ही होंगे, तुम जल्दी जाकर पानी ले आओ। ठीक है माँ, मैं अभी आई। ऐसा कहकर पूजा हाथ में मटका लिए कुएं के पास चल दी। जब वो कुएं के पास पहुंची तो वहाँ हेमा और रेखा पहले से मौजूद थी। उन्हें देखकर पूजा बोली, अरे हेमा, रेखा, तुम दोनों यहाँ? तुम इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही हो? माँ को खाना बनाना है और पानी भी खत्म हो गया है, इसीलिए आ गई। पूजा ने मटका कुएं के पास रख दिया और वो बाल्टी से पानी निकालने लगी। तभी हेमा और रेखा ने पूजा को कुएं में धक्का दे दिया और पूजा कुएं के अंदर गिरकर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस कुएं से मुझे निकालो, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। पूजा चिल्लाती रही लेकिन हेमा और रेखा ने उसकी मदद नहीं की और वहां से चली गई। कुछ देर बाद पूजा कुएं में डूबकर मर गई।
जब पूजा काफी देर तक घर नहीं लौटी तो उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगी। जब पूजा के पापा घर आए तो उसकी माँ ने उन्हें सारी बात बताई। सुनिए जी, पूजा को मैंने कुएं पर भेजा था, वो अभी तक नहीं आई, मुझे उसकी चिंता हो रही है। हो सकता है वो अपने डाकिये चाचा के पास गई हो। नहीं, वो बिना बताए कहीं नहीं जाती, हमें जाकर देखना चाहिए। पूजा के माता पिता जब कुएं के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ मटका रखा था, लेकिन पूजा कहीं नहीं थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, वो कहीं नहीं दिखी। फिर वो डाकिये के घर गए और डाकिये को सारी बात बताई। पूजा के माता पिता और डाकिये ने मिलकर पूजा को सारी रात ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली और तीनों थक हार कर अपने घर वापस आ गए। ना जाने पूजा बेटी कहाँ चली गई, मुझे तो अब चिंता होने लगी है, अब हम उसे कहाँ ढूंढें? हमें जल्दी से जाकर थाने में रपट लिखानी चाहिए। ये सब सुनकर पूजा की माँ लगातार रोए जा रही थी। तभी पूजा की माँ को कोई परछाई सी दिखाई दी। वो उस परछाई को देखकर बोली, कौन है वहाँ, कौन है? पूजा की माँ के ऐसा बोलने पर डाकिये और आनंद ने बाहर जाकर देखा तो बाहर दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी थी। डाकिये ने वो चिट्ठी उठाते हुए कहा, अरे ये चिट्ठी यहाँ कैसे आई? डाकिये ने वो चिट्ठी खोली तो वो पूजा की चिट्ठी थी, जो कि खून से लिखी गई थी। तीनों उस चिट्ठी को देखकर बहुत हैरान हुए। उस चिट्ठी में लिखा था, मम्मी पापा और मेरे प्यारे डाकिये चाचा, आप मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढो, मैं कुएं के अंदर हूँ, आपकी पूजा। वो चिट्ठी पढ़कर तीनों कुएं के पास गए तो वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुए। कुएं में पूजा की लाश तैर रही थी। उन्होंने जैसे तैसे पूजा की लाश को उस कुएं से निकाला और बहुत रोए। लेकिन सबको यही लग रहा था कि पूजा की मौत बस एक एक्सीडेंट था। पूजा के माता पिता और डाकिया तीनों बहुत दुखी रहने लगे। वो हर समय पूजा को याद किया करते थे। उसी दौरान गांव में एक चुड़ैल होने की खबर उड़ी। अरे भाई, सुना है कि हमारे गांव में चुड़ैल का साया है। अरे चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, सब वहम है। नहीं हेमा, हमारे गांव में सच में एक चुड़ैल है, मैंने भी सुना है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और हेमा की शादी होने वाली थी, इसीलिए हेमा के घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और उसके घर में काफी चहल पहल हो रही थी। जैसे ही रात हुई, हेमा और रेखा एक कमरे में चली गई और बातें करने लगी। तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके कमरे में उनके अलावा कोई और भी है। तभी अचानक से एक आवाज आई, हेमा तुमने मुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाया, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? उन दोनों ने आवाज की तरफ देखा तो दोनों डर से कांपने लगी। वहाँ एक भयानक और डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। हेमा डर कर बोली, कौन है तुम? भूल गए तुम दोनों, मैं वही हूँ जिसको तुमने कुएं में धक्का मार दिया था। पूजा तुम? हाँ मैं पूजा हूँ, जिसे तुमने वक्त से पहले ही मार दिया, और अब मैं चुड़ैल बनकर तुमसे बदला लेने आई हूँ, और अब मैं तुम दोनों को मार दूंगी। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें माफ कर दो। माफ कर दो? वो भी तुम दोनों को? कभी नहीं, तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे माता पिता के सपनों को मारा है, मेरे डाकिये चाचा की मेहनत और प्यार को मारा है, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। ये बोलकर चुड़ैल ने उन दोनों को मार दिया। जब सुबह हुई तो सारे गांव में खबर फैल गई कि हेमा और रेखा को चुड़ैल ने मार दिया। उनकी लाशें उनके घर के आंगन में रखी थी। तभी डाकिया और पूजा के मम्मी पापा वहां पहुंचे। गांव के सभी लोग चुड़ैल की बातें कर रहे थे कि गांव से कैसे उस चुड़ैल को भगाया जाए।
तभी वहाँ पर जोरों से हवा चलने लगी। तभी डाके के पास चिट्ठी आकर गिरी जो कि खून से लिखी गई थी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। डाकिया चाचा, रेखा और हेमा ने ही मुझे कुएं में धक्का दिया था, इसीलिए आज मैं अपनी मौत का बदला लेने आई थी और मैंने ले लिया। अब मैं इस गांव से जा रही हूँ। मैं गांव वालों को कभी परेशान नहीं करूँगी। मैं माँ पापा से बहुत प्यार करती हूँ। चाचा, आप उनका ख्याल रखना। मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। आपकी प्यारी पूजा। चिट्ठी पढ़कर डाकिया और पूजा के मम्मी पापा के साथ साथ सारा गांव रोने लगा और उस दिन के बाद से चुड़ैल उस गांव में कभी नहीं आई। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।